एक समय की बात है जब तमिलनाडु के स्कूलों में दलित छात्रों और सवर्ण छात्रों के लिए पानी पीने के लिए अलग अलग मटके रखे जाते थे। दलित बच्चों को उन मटकों से पानी पीने की मनाही थी जो सवर्ण छात्रों के लिए रखे जाते थे। अगर कोई उन मटकों को छू भी देता तो बड़ी सजा मिलती थी। क्लास में बैठने वाले एक दलित छात्र को ये सब देखकर बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। एक दिन छुट्टी होने के बाद वो घर नहीं गया, वो क्लास में ही कहीं पर छुप गया। और जब सारे लोग स्कूल से चले गए तो उस दलित बच्चे ने सवर्ण और दलितों के लिए रखे गए अलग अलग मटकों को फोड़ डाला। जब स्कूल में अगले दिन लोग आए तो उन्होंने देखा और फिर दो नए मटके लाए गए। तो फिर से उसने ऐसा किया, मौका देखकर उसने दोनों मटकों को फोड़ डाला। ये दलित लड़का यही नहीं रुका, अब वो हर उस स्कूल में जाने लगा, वो हर उस जगह पर जाने लगा जहां दलित और सवर्णों के लिए अलग अलग मटके रखे जाते थे। ये लड़का उन दोनों मटकों को तोड़ता रहा, लगातार वो मटकों को तोड़ता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि परेशान होकर जातिवादियों ने स्कूल में या कई जगहों पर मटके जो अलग अलग रखे जाते थे, यानी दो मटके रखे जाते थे, वो रखने ही बंद कर दिए। और फिर एक मटके से दलित और सवर्ण छात्र स्कूल में पानी पीने लगे। इस तरह से एक घटिया जातिवादी प्रथा का अंत हो गया। और उस मटके तोड़ने वाले दलित बच्चे का नाम था इलैया पेरुमल। इलैया पेरुमल ने बचपन से ही जातिवाद का विरोध करना शुरू कर दिया था। 16 जून 1924 को तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए इलैया पेरुमल बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उन्होंने स्कूलों में दो मटके रखने की प्रथा को खत्म कराया। उन्होंने जब आर्मी ज्वाइन की तो उनके साथ वहां भी जातिगत भेदभाव किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों से की। लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने साल भर में ही आर्मी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने आजीवन अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। इलैया पेरुमल ने समाज में बराबरी लाने के लिए कई आंदोलन किए। 1940 से 1970 के बीच उन्होंने अविभाजित दक्षिण अरकोट और थंजावुर जिले में कई बार संघर्ष किया। जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो महज 27 साल की उम्र में 1952 के पहले आम चुनाव में कुड्डालोर से सांसद भी चुने गए। जब इलैया पेरुमल डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में आए तो बाबा साहेब ने उनको तारीफ की, उनके काम की तारीफ की जो उन्होंने समाज में अपने वंचित वर्गों के लिए किए थे। इलैया पेरुमल 3 बार सांसद रहे और एग्मोर विधानसभा सीट से 1940 से 1984 तक विधायक भी रहे। इलैया पेरुमल एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रेसिडेंट भी रहे थे। 1965 में बनी कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन भी पेरुमल रहे थे। इलैया ने 3 साल तक देश भर का दौरा किया और अछूतों की समस्याओं पर बहुत ही जरूरी रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने बताया कि क्यों भारत में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है, उसके क्या कारण हैं। उनकी ये रिपोर्ट दरअसल जाति व्यवस्था को ना सिर्फ बेनकाब करती थी बल्कि उसको उजागर भी करती थी कि भारत कितना जाति प्रधान देश है। इसलिए इस रिपोर्ट को संसद में पेश होने से रोकने की कोशिश भी की गई। जिस दिन रिपोर्ट संसद में पेश की जानी थी उस दिन इलैया पेरुमल पर हमला भी किया गया। खतरे को भांपते हुए इलैया ने अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी पहले से ही डीएमके सांसद इरा चेजियान को दे दी थी कि अगर मेरी रिपोर्ट को कोई छीन लेता है या मुझे जाने से रोका जाता है तो इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जा सके। और इस वजह से वो रिपोर्ट संसद में पेश हो पाई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में पिछले दिनों बताया था कि जब तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सरकार बनी थी तब सभी जातियों के पुजारी बनाने का फैसला इलैया पेरुमल की उसी रिपोर्ट के आधार पर ही लिया गया था। इलैया पेरुमल के महान कामों को रेखांकित करने के लिए अब तमिलनाडु की स्टालिन सरकार उनकी याद में एक भव्य स्मारक बनाने जा रही है। इलैया पेरुमल जैसे जाने कितने ही नायक और नायिकाओं को इतिहास में दफन कर दिया गया। बहुजन समाज तक ऐसे नायकों की कहानियां आने ही नहीं दी गई, लेकिन अब ये कहानियां सारी दुनिया के सामने तन कर खड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बहुजन इतिहास की ऐसी ही भूले बिसरी कहानियां आप तक पहुंचाते रहे और अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहे तो आपको हमारा साथ देना होगा। आप हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं जिससे हम अपनी पत्रकारिता को जारी रख सकें। आप इस QR कोड को स्कैन करके सीधे हम तक अपनी आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। बहुत साधारण है, अपने फोन से इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी मदद हम तक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट डिटेल्स में भी अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। साथ ही UPI के जरिए भी आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे जो फाउंडेशन का अकाउंट है, न्यूज़वीक फाउंडेशन का अकाउंट, उसमें भेज सकते हैं। आप इसका सर्टिफिकेट लेके आप 12A और 80G के तहत इनकम टैक्स की रिबेट भी पा सकते हैं। इसलिए आपको दो दो फायदे होंगे, इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलेगी और आपके खर्चे पर अंबेडकरवादी पत्रकारिता भी होती रहेगी और हमारी पत्रकारिता जो है वो निष्पक्ष रहेगी। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, ऐसी कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आपसे अपील है कि हमारा
समर्थन करें। साथ ही आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। आप उन्हें बताएं कि कैसे जो इलैया पेरूमल हैं वो महान काम कर रहे थे, उनकी कहानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।